हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका, दीपिका ब्यूटी सी के चैनल से। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हेयर के ऊपर है। आज हम हेयर के ऊपर बात करेंगे कि हमारे हेयर टूटते हैं, हमारे हेयर में अचानक से हेयर फॉल हो जाते हैं, हमारे हेयर ग्रो नहीं करती है। तो हमारे हेयर में अचानक से हेयर फॉल क्यों हो जाते हैं, हमारे हेयर टूटते क्यों हैं, हमारे हेयर ग्रो क्यों नहीं करती। इसका रीज़न है कि हम जो अपने हेयर की केयर करते हैं वो सही तरह से नहीं करते। हमें पता नहीं होता है कि हमारे हेयर को क्या चाहिए। तो जिन लोगों को अपने हेयर को टूटने से बचाना है, हेयर फॉल से बचाना है और अपने हेयर को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो पूरा देखे बिना समझ आ जाए कि हमें अपने हेयर की केयर अच्छे से कैसे करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को पता है कि हेयर ग्रो करने के लिए ऑयल मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑयल मसाज नहीं करते हैं तो हमारे हेयर टूटने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर कि अगर आपको हेयर ग्रो करना है, आप अगर चाहते हो हमारे हेयर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए हमें अपने हेयर को जानना है पहले कि हमारे हेयर किस टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो है ऑयली हेयर। जी हाँ, हमारे हेयर भी ऑयली होते हैं और हमारे हेयर भी को पता है कि हेड वॉश करने से पहले हमें एक दो घंटे के लिए ऑयल मसाज करके हेयर को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जब हम हेड वॉश करते हैं तो उसके ठीक एक दिन बाद हमारे हेयर में फिर से ऑयल आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अच्छे से शैम्पू नहीं किया हो। अच्छी तरह से शैम्पू करने के बाद भी आपके हेयर में ऑयल आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके हेयर ऑयली हैं। तो फ्रेंड, जिन लोगों के हेयर ऑयली हैं उन लोगों को ऑयल अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और उनको हमेशा नॉर्मल वाटर से वॉश करना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपका ऑयल प्रोडक्शन कम। सेकंड नंबर के ऊपर जो है ड्राई हेयर। अब हमें ड्राई हेयर कैसे पता चलेगा? जैसे हेड वॉश करने से पहले हमने ऑयल अप्लाई किया, ऑयल अप्लाई करने के बाद आपने हेड वॉश किया, हेड वॉश करने के बाद आप चेक करते हैं 2 से 3 दिन तक आपके हेयर में ऑयल नहीं आती है। ऑयल नहीं आते हैं इसका मतलब है कि आपके हेयर ड्राई हैं। तो ड्राई हेयर वालों को ऑयल अप्लाई करना चाहिए, वीक में 2 से 3 बार ऑयल अप्लाई करना चाहिए, अच्छी तरह से स्कैल्प मसाज। अब आते हैं थर्ड नंबर जो है कॉम्बिनेशन हेयर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे हेयर कॉम्बिनेशन है या नहीं, या किस तरह है, हमें कैसे पता चलेगा? तो कॉम्बिनेशन हेयर वाले हमेशा उनके स्कैल्प में ऑयल रहेगी और हेयर के जो लेंथ होते हैं उसमें ऑयल नहीं होगी। तो जो कॉम्बिनेशन हेयर वाले हैं उनके हमेशा स्कैल्प में ऑयल रहेगी और हेयर के लेंथ में ऑयल नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन हेयर वाले हैं, उनको हमेशा हेयर के लेंथ में ऑयल अप्लाई करना चाहिए इस तरह से, ना कि स्कैल्प में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प में आपके ऑलरेडी ऑयल हैं। कॉम्बिनेशन हेयर वाले हैं उनको ब्लो ड्रायर अवॉइड करना चाहिए और हर वॉश के बाद कंडीशनर ज़रूर अप्लाई, और हॉट वाटर से भी आपको हेड वॉश नहीं करना है, इससे आपके हेयर डैमेज हो सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, अपने हेयर के प्रॉब्लम समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ऑयल में 50 तरह की चीज़ें मिक्स करें तभी जाके हमारे हेयर ग्रो करेगी या हमारे हेयर के प्रॉब्लम्स दूर होंगे। आप कोई भी ऑयल अप्लाई कीजिए, कोई भी एक ऑयल अप्लाई कीजिए, उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर न्यू हो तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।